कैसे हो आप सब। आज मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मेरी तबीयत जो है वो मेरे सिर में एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब एकदम इतना सब भारी जैसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं सोई हुई थी, अभी उठी हूँ मैं, शाम के बज रहे अभी 5:30, तो मैं अभी जाकर उठी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं किया तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। कुछ बातें ऐसी है जो मुझे पता चली है, पता नहीं है कितनी, मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है मुझे नहीं पता। बस जो मुझे पता चली है वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये बातें पता चली है कि अभी जो 2021 आने वाला है, मतलब जनवरी से YouTube इतना टफ हो जाने वाला है कि जहाँ 1000 सब्सक्राइबर मांगता था मोनेटाइज होने के लिए हमारा चैनल, वहाँ पे अब 10,000 सब्सक्राइबर शायद मांगने वाला है मोनेटाइज के लिए। और हमारा तो 2.5 months से अधिक ज़्यादा हो गया है, बट अभी भी मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 24 या 25 ही हैं। तो हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी लगभग 2 month है हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर पूरा हो जाता है, जिनका ये 2020 में ही उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर 2021 आ जाता है और हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है, मतलब किसी का भी, और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो मोनेटाइजर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मुझे पता चला है, मुझे भी अभी अच्छे से नहीं पता है कि ये बात जो है वो सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता। बट जितना मुझे पता चला है मैं उतना आप लोगों को बता रही हूँ। सो एक दूसरे की हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। आप, मैं ये नहीं कहूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए, बट जिनका चैनल और कुछ ज़्यादा मतलब ग्रो हो चुका है, जैसे वो 6-7 महीने से हैं, जिनका साल लगने वाला है फिर भी उनका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए ये है। मेरा तो 5 साल में भी नहीं होने वाला है, मुझे पता है। और इस YouTube पे मैं बता दूं कि चैनल भी उनका ही ग्रो होता है, उनको ही सब सब्सक्राइब करते हैं जो या तो वो ज़्यादा अमीर हो, या मतलब बड़े लोग हो, या फिर वो ज़्यादा लोग गरीब हो, उनका ही चैनल ग्रो होता है, उनके ही वीडियो सब देखते हैं, उनके चैनल को ही सब्सक्राइब करते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को, जो बीच वाले जो होते हैं, उनका कोई वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि अमीर या गरीब ही इस YouTube पे चलता है या चमकता है। और हम जैसे मिडिल क्लास वालों को सच में कोई वीडियो नहीं देखता है, या तो उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि हाँ हम बहुत अमीर हैं, अमीरों की वीडियो देखते हैं, सब ज़रूर देखेंगे। और जो गरीब होगा उनका कहेंगे हाँ भाई ये गरीब है, इसको तो मतलब इसको इसका वीडियो देखना चाहिए, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। या फिर जो अमीर हैं, वाह इसकी तो क्या बात है, इसको तो करना ही चाहिए। हम जैसे बीच वाले जो होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले, इनका कोई वीडियो नहीं देखता और ना ही इनका चैनल जो है वो ग्रो होता है, ना इनको कोई सब्सक्राइब करता। और ये प्लेटफार्म जो है यूट्यूब है, इस पे तो होता ही है, ये बाकी भी चैन जितने भी प्लेटफार्म होते हैं ना, मतलब जैसे कि मैंने देखा है टिकटॉक, वीगो, जो भी हो, उन सब पे या तो गरीब चमकते हैं या तो अमीर चमकते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहीं नहीं चमकते हैं और हम लोगों का कहीं कुछ नहीं वाला है, होने वाला है, कोई नहीं। मैं यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि अपना जो मेरा मतलब अपनी कोशिश जारी रखते हैं, होने वाला जो होने वाला होगा होगा, नहीं होगा तो अपने आप लोगों से बातें करके, कुछ फ्रेंडशिप करके। आप सबसे हैं कुछ लोग जिससे मैं टिकटॉक पे भी इसीलिए थी क्योंकि उस पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन चुकी थी, मेरे बहुत सारे सिस्टर मिल चुकी थी उस पे। और टिकटॉक आज ये यूट्यूब भी है, इस पे भी मुझे काफ़ी सारी मिल चुकी हैं जिनसे बातें करके, या उनका वीडियो देख के, या उनको कॉमेंट करके, या फिर वो मुझे कॉमेंट करती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हमें कोई सब्सक्राइब करता है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करता है, कुछ अच्छा बोलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सच्चाई तो यही है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे, हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बट कोई नहीं भी होता है तो हमें ज़्यादा मतलब दुखी होने का या दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो
जितना है उतना मैं खुश रहना सीखी आप सब, और जितना हो सके हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम लोग जितने भी सब्सक्राइबर एक दूसरे के हैं, हम लोग या तो उनका सपोर्ट इतना ही तक कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना कि चलो सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वॉच टाइम जो है वो तो बढ़ा सकते हैं ना एक दूसरे का वीडियो देख के, तो चलिए उतना तो कम से कम कर सकते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने वाला होगा तो वो बढ़ जाएगा माता रानी की कृपा से। और अभी छठ पूजा आने वाला है तो छठी मैया अगर चाहे हम तो जरूर हो जाई, काहे कि हमनी के घर घर में ही बिहार में तो खास करके छठ पूजा सबके घर में होला, हमरो घर में होला, हमारी भी सासू माँ करेली। तो चलिए अब छठी मैया के हाथ में बा का करता नहीं छठी मैया, तब ऐसे हमनी के तो एक दूसरे के सपोर्ट करे के ही चाहिए, और हम तो सबके सपोर्ट करीला बट हमारे सपोर्ट कोई ना करेला। और अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है और मेरे सिर में भी दर्द है, और मैं तो ऐसे भी आज कोई ब्लॉगिंग नहीं की तो मैं अपने बातों से ज़्यादा आप लोग को नहीं पकाऊंगी, क्योंकि मेरा बक बक बंद नहीं होगा और आप लोग मेरी बक बक से बोर हो जाएंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे भी नहीं, और मेरा चेहरा भी अभी साफ नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें। और शाम हो चुका है तो चलिए सबको मेरी तरफ से गुड नाइट।